हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस बाइक। और आज हमारे पास है होंडा एविटर हीट स्कूटी, जिसकी फुल सर्विस करने वाले हम स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो वीडियो में बने रहना मेरे साथ, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्विस के लिए हमें सबसे पहले कार्बोरेटर खोलना होगा, जो कि हम खोलते भी हैं। कार्बोरेटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सर्विस के अंदर। कुछ लोग बोलते हैं कि कार्बोरेटर रोज़ रोज़ खोलने से क्या होता है, कार्बोरेटर क्यों खुलवाया है। अरे रोज़ रोज़ मत खोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई टाइम तो ऐसा होता है कि जब कार्बोरेटर खोलना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आपने ऊपर से मुंह धो लिया और कोलगेट की नहीं, ब्रश किया ही नहीं, तो क्या दिक्कत नहीं होगी हमारे पेट के अंदर? वही प्रॉब्लम इसमें होती है। तो एयर फिल्टर के अंदर कोई मिट्टी रेत होती है, वो कार्बोरेटर में नहीं आती क्या? ये लो, ये मैंने निकाला है कार्बोरेटर, कार्बोरेटर बाहर निकाल लिया है। अब लोग बोलते हैं कि कार्बोरेटर नहीं खोलना चाहिए, ये देखो आपको दिखा रहा हूँ, दिखे तो देख सकते हो। तो दिख रहा है ना, ये देखो इतनी गंदगी। फिल्टर तो चौकी हो रखा था इसका, अच्छे से क्लीन कर लेना है हवा से। सफाई के लिए आपको घर पे पेट्रोल निकालना होगा, और पेट्रोल निकालने के लिए आपको एक सिरिंज की ज़रूरत पड़ेगी, और या तो ऊपर टंकी में से निकाल लो, वहाँ से नहीं निकालना है तो ऐसे लगा निकाल लो। फिर कार्बोरेटर में जो पाइप लगी होती है उसमें से ये तेल आ रहा है, देसी फॉर्मूला अपना ये।
117 नंबर बोल्ट है। सबसे पहले ऑयल ड्रेन के लिए ये ड्रेन वाला बोल्ट खोल लेना है, 17 नंबर का मैंने लूज़ कर लिया था ताकि आप अच्छे से देख सको। यहाँ से ऑयल ड्रेन करना है, ऑयल ड्रेन हो रहा है। तब तक हम कार्बोरेटर खोल लेते हैं। कार्बोरेटर खोलने के बाद दिखाता हूँ आपको उसके कैसे हालात हो रहे हैं। गाइज, आपको भी अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज़ करना है, सिंथेटिक, और ऑयल डालने के बाद में अपनी गाड़ी रेडी हो जाएगी तो गाड़ी डिलीवर करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।